दोस्तों आप देख सकते हो मेरा जो छोटा सा पपी है जर्मन शेफर्ड का फीमेल पपी है, इसका नाम सोफी है। अभी उसका कोट का कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, क्योंकि अभी जो पपी कोट था वो उतर रहा है और उसका ओरिजिनल कोट आ रहा है। अभी पहले जो वो दिख रही थी वो बिल्कुल ब्लैक रंग था उसके कोट का, उसके हेयर के बिल्कुल ब्लैक था। अभी आप देख सकते हो कि अभी चॉकलेटी कलर दिख रहा है कोट का और ब्लैक कलर धीरे धीरे जा रहा है और अभी चॉकलेटी दिख रहा है। अभी धीरे धीरे जो कान का और एक पैर में जैसा कलर दिख रहा है बिल्कुल वैसा टैन कलर हो जाएगा। अभी आप देख सकते हो पूरा चॉकलेटी दिख रहा है। अभी पैर में और अभी टेल यानी पूंछ में भी देख सकते हो पूरा, देखो ब्लैक में से पूरा चॉकलेटी हो गई है। अभी मैं जैसे पूंछ को उसकी टच किया तो मेरे को बाइट करने आ रही है। दोस्तों अभी 3 महीने की हो गई है, इसकी वैक्सीन भी लग गई है रेबीज की जो होती है। अभी इसका जो पॉपी कोट था वो उतर रहा है धीरे धीरे, अभी उसका ओरिजिनल कोट आ रहा है। अब आप देख सकते हो कि जो ब्लैक कोट था वो धीरे धीरे जा रहा है, अभी ओरिजिनल कोट आ रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो पूरा चॉकलेटी और टैन कलर दिख रहा है और टेल में भी बहुत सारे ब्लैक कलर के जो हेयर थे वो जा चुके हैं। अभी वो कपड़े के साथ खेल रही है। अभी आप कान देख सकते हो, उसके पैर देख सकते हो। जब ये बड़ी होगी तो बिल्कुल ब्लैक एंड टैन कलर में हो जाएगी, बहुत ही अच्छी दिखने वाली है सोफी। देख सकते हो पहले जब ये छोटी थी तो पूरी बिल्कुल ब्लैक दिख रही थी, ये पैर सब कुछ कान वान सब कुछ ब्लैक ही था उसका। अभी धीरे धीरे वो कलर चेंज हो रहा है उसके कोट का, देख सकते हो अभी पॉपी कोट है वो धीरे धीरे जा रहा है। दोस्तों ये पॉपी का जो कोट होता है यानी कि हेयर होते हैं वो जब छोटे होते हैं तब सभी पॉपी बच्चे के काले ही होते हैं, और जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं उसका पॉपी कोट उतरता है और उसका ओरिजिनल कोट जब भी आता है तो फिर वो अपने मदर फादर पे जाते हैं। मदर का और फादर का जैसा रंग होता है उस पे डिपेंड करते हैं कि आपके जो बच्चा है उसका कोट कैसा होगा और वो बड़ा होकर कैसा दिखेगा। अभी जो वो सोफी है उसके मदर फादर बिल्कुल ही ब्लैक एंड टैन कलर में थे, तो अभी ये भी वैसे ही रंग की हो जाएगी, वैसे ही उसका कोट का कलर हो रहा है। आप देख सकते हो अभी ब्लैक था पूरा, उसमें भी कान और पैर वो तो बिल्कुल ही टैन हो गई। अभी ऊपर भी जो बिल्कुल ब्लैक था उसका भी चॉकलेटी कलर हो गया है, वो भी ब्लैकनेस जा रही है। अभी आप उसके फेस भी देख सकते हो जो पूरा ब्लैक था अभी वो थोड़ा थोड़ा टैन दिख रहा है, और अभी आप देख सकते हो फेस कैसा खूबसूरत दिख रहा है और कान पैर यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये भी चॉकलेटी कलर का दिख रहा है। अगर दोस्तों आपकी भी पपी में ऐसे अगर कोट का कलर चेंज हो तो आप घबराना मत, क्योंकि ये जो पपी कोट होता है वो उतरता है और नया कोट जब भी आना शुरू होता है तो अपने आप वो कलर चेंज होता रहता है, और आखिर में जब वो बड़ा होगा तो अपने मदर फादर का जैसा कलर होगा उस पर डिपेंड करेगा और वैसा ही कलर इसका भी हो जाएगा। मैं जब इसे लाया था जब छोटी सी थी सोफी तब उसका बिल्कुल ही ब्लैक कलर की थी, तो मैं सोचता कि पूरी ब्लैक ही बनी रहे, तो ऐसा नहीं होता। और जब भी बड़ी होती जाती है उसके कोट का कलर चेंज होता रहता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो अभी उतनी एक्टिव है क्योंकि खाना खाने के बाद वो ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं खेलने के लिए। आप नीचे भी देख सकते हो दोस्तों अंडर आर्म ये भी पूरा टैन हो गया है, क्योंकि जर्मन शेफर्ड का जो लुक है वो ब्लैक एंड टैन कलर मेरे को ज़्यादा पसंद है। तो दोस्तों ये था मेरी सोफी की वीडियो, मैंने बनाया था उसके कोट के कलर पे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।